वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बहुत ही इफेक्टिव डार्क स्पॉट रिमूवल क्रीम बनाना सिखाऊंगी। यह क्रीम आपके चेहरे पर से किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, निशान या झाइयों की प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगी और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा क्लियर और स्पॉटलेस बनाएगी। ये एक 100% नेचुरल ग्रीन टी क्रीम है जो कि स्किन लाइटनिंग और स्किन व्हाइटनिंग में बहुत ज्यादा मदद करती है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर, ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ग्रीन टी क्रीम कैसे बनाई जाए। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी में 2 से 3 बड़े चम्मच हॉट रोज वाटर लेना है, यानी कि गरम गरम उबलता हुआ गुलाब जल लेना है। यहाँ पर मैंने बस गुलाब जल को थोड़ी देर के लिए गैस पर गरम कर लिया है। और अगर आप गुलाब जल नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर हॉट वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी भी ले सकते हैं। तो अब हमें इस गरम गुलाब जल या पानी में एक ग्रीन टी बैग को डिप करना है और इसको ऐसे ही 5 से 7 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ देना है। और 5 से 7 मिनट के बाद जब आपकी ग्रीन टी अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी पानी में तो वो कुछ इस तरह दिखेगी। और अब हमें इस ग्रीन टी बैग को निकाल लेना है और फिर इस ग्रीन टी के पानी के अंदर हमें 1/2 चम्मच बादाम का तेल डालना है, यानी कि स्वीट आमंड ऑयल डालना है। उसके बाद हमें इसके अंदर 1 चम्मच व्हाइट मिनी ऑयल डालना है। और अगर आपके पास इवला तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या वाइट मिनी की कैप्सूल आती है वो 2 से 3 यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डालना है। और टी ट्री ऑयल डालने के बाद अब आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिल जाएं। और लास्ट में अब हमें इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालकर इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ और फ्लफी पेस्ट बने। और सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी ग्रीन टी क्रीम रेडी है। ये 100% इफेक्टिव डार्क स्पॉट्स रिमूवल और पिगमेंटेशन रिमूवल क्रीम है। इस क्रीम को अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके पिंपल्स, झाइयां और मोस्टली सारी स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर और फेयर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आप इस क्रीम को 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे यूज़ किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने स्किन पर लगाना है और आप इस क्रीम को अपने फेस पर या अपनी फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से लगाकर इसको 10 से 15 सेकंड के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए और इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।